गुड मॉर्निंग बॉक्सर भैया। थोड़ा परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? अरे आज मैं दो सिचुएशन में बुरी तरह से फंस चुका हूँ। एक मुझे अपनी नई कार की डिलीवरी लेने के लिए मॉडर्न सिटी जाना था, दूसरा मेरा एक बॉक्सिंग कंपटीशन भी आ गया है। अब मैं दो जगह एक साथ कैसे पहुँचूंगा? बस इतनी सी प्रॉब्लम के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? आप अपने बॉक्सिंग कंपटीशन में जाओ। और रही बात आपके कार की, तो आपकी कार की डिलीवरी हम ले लेंगे। क्यों पतलू? क्या हम? नहीं नहीं मोटू, नहीं। अरे मोटू, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तुम दोनों बस कार लेके आ जाओ। थैंक यू मोटू, थैंक यू पतलू, पर मेरी कार बिल्कुल नई मॉडल की है। एक भी खरोच ना आनी पाए। एक भी खरोच आए ना तो तुम दोनों के बदन में खरोचों की लड़िया होंगी। कसम मेरे मरीजों की, ये कार तो बहुत ही शानदार है यार। ओड़ी बाबा, कितना सुंदर कार है। ऐसा कार हम तब 20 साल के तजुर्बा में कभी नहीं देखा। अरे मोटू आराम से चलाओ, ये कार है एरोप्लेन नहीं। अरे पतलू टेंशन वेंशन छोड़ो, राइड का मजा लो। सामने सिग्नल है मोटू। पतलू, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जमीन में नहीं बल्कि कार के साथ आसमान में हैं। ओए नीचे उतरो, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी कार ठुक गई, हर्जाना देना पड़ेगा। पुलिस में ले चलो इन्हें। मोटू आसमान में ऊपर वाले के पास जाने का टाइम हो गया है, और अगर इनसे बच भी गए तो बॉक्सर हमें नहीं छोड़ेगा। भागो मोटू। पकड़ो उन्हें, देखो भागने न पाए। तू संभाल के। हेलो हेलो इंस्पेक्टर चिंगम, अरे कोई अपराधी सिग्नल तोड़ के भागा जा रहा है, वो आपकी ही तरफ आ रहा है। रेड स्पोर्ट्स कार है, स्टॉप हिम। डोंट वरी, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। बोले तो इम्पॉसिबल है। मैं